उत्तर प्रदेश के बंदायू से खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बंदायू में सैकड़ों ईवीएम मशीनें खराब हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सैकड़ों मशीनें खराब हुई। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को जिताने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बंदायू में ही किस अधिकार से रुके हुए हैं मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का बयान सामने आया है। गठबंधन के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव, उनका यह बयान सामने आया, बंदायू में सैकड़ों ईवीएम मशीनें खराब हुई हैं। हालांकि ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से निशाना भी साधा गया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को जिताने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बंदायू में किस अधिकार से रुके हुए हैं मंत्री स्वामी प्रसाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आयोग से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का बयान सामने आया है और सैकड़ों ईवीएम मशीन खराब होने का आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। कहा है बंदायू में सैकड़ों ईवीएम मशीनें खराब हुई है, ये कहना है गठबंधन के प्रत्याशी का। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को जिताने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये संगीन आरोप लगाया गया। बंदायू में किस अधिकार से रुके हुए हैं मंत्री, आयोग से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें।